नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन क्या होती है? अगर माइनस क्यू प्लस क्यू ये एक डायपोल है सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2a, इसके जो एक्सिस देख रहे हो डॉटेड लाइन इसका एक्सिस है, इस एक्सिस को बोलते हैं एक्सियल लाइन। ये डॉटेड डॉटेड लाइन इज एक्सिस या एक्सियल लाइन। तो आप कोई भी एक पॉइंट लें जो इसके एक्सियल लाइन पे पड़ा हुआ है, ये दो चार्जेस डायपोल के इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, वो आपको कैलकुलेट करना है कितना लगाएंगे। तो डेरिवेशन नंबर वन, ये डेरिवेशन है इसकी, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई किसके ऊपर? ऑन एक्सियल लाइन। तो पॉइंट कहां पर लाई करता है? एक्सिस पे, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन का दूसरा नाम है एंड ऑन पोजिशन, ये भी नाम याद रखना है, एंड ऑन पोजिशन। तो कैसे करेंगे? आप एक डायपोल लें माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाई 2a, ये इसका एक्सिस है, इसके एक्सिस पे एक पॉइंट लें, इस पॉइंट पे आपको ई निकालना है। रूल नंबर वन, डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आप आती हैं आपको कैसे, जहां आपको ई निकालना है वहां चार्ज प्लस वन लगा दें, प्लस वन। तो ये रहा प्लस वन, ये प्लस क्यू, इस प्लस क्यू को वन को क्या करेगा? रिपेल। तो ई की वैल्यू क्या लगाएगा? 1/4πε0 क्यू इंटू वन अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस क्या होगा? अगर ये आर है, आधा ए है, तो बचा कितना? आर माइनस ए। तो आर माइनस ए का यहां पे कर लेना होल स्क्वायर, या स्क्वायर मिसिंग है, यहां पे करना होल स्क्वायर ऐसे। ठीक है, या स्क्वायर कर लेना। तो 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर। क्या स्टेप क्लियर है? फिर ये जो चार्ज देख रहे हो माइनस क्यू, माइनस क्यू प्लस वन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो वेक्टर मेरी तरफ बनेगा, मैग्नीट्यूड बोलो 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय ये टोटल डिस्टेंस ए, मतलब ये आधा ए और ये कितना आर। सारे डिस्टेंसेस कहां से ले जाते हैं? फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल। तो जैसे अगर मुझे यहां ई निकालना है तो ये पॉइंट का डिस्टेंस डायपोल से कहां लिया जाएगा? इसके सेंटर से। तो इसलिए आपने देखा होगा आर जो डिस्टेंस है वो कहां से मेजर किया जा रहा है? फ्रॉम सेंटर। तो सेंटर से ये आर है, आधा ए है, तो कुल मिला के यहां से यहां का डिस्टेंस क्या हो गया? आर प्लस ए। तो ये स्टेप क्लियर है, आर प्लस ए का स्क्वायर। तो ये प्लस क्यू चार्ज इसे रिपेल कर रहा है, ये माइनस क्यू चार्ज इसे अट्रैक्ट कर रहा है। कौन सी वैल्यू बड़ी है, राइट वाली की लेफ्ट वाली? राइट वाली, इसका डिनोमिनेटर छोटा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, तो नेट ई की वैल्यू क्या होगी? बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस। ये तो अभी न्यूमेरिकल भी किया था थोड़ी देर पहले सुपरपोजिशन का, यही तो जानबूझ के ये करवाया था, एक्सियल लाइन करवाई थी मैंने। समझ में आ रहा है यहां तक कैसे करना है? तो एलसीएम, ये टर्म आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर एलसीएम, ये टर्म लेफ्ट, ये टर्म राइट, इसको ओपन करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये प्लस आएगा, करेक्शन करो, प्लस 2ra, करेक्शन प्लस 2ra, इसे ओपन करेंगे तो ये टर्म आएगी। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? इसे जब ओपन करेंगे आर स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा? 4ra। तो 4ra बच गया, 4 को ब्रेक करो 2 × 2, एक 2 दो क्यू के साथ, ए को दो मींस ए के साथ और आर के साथ, तो चेक करो ये टर्म एक ही बात है, रीअरेंज कर लिया, जानबूझ के किया, क्योंकि q into 2a क्या होता है? p। फॉर्मूला बन गया, एक्सियल लाइन पे अगर कोई पॉइंट है डायपोल का, वहां पर e का फॉर्मूला ये रहा। फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन या एंड ऑन पोजिशन का फॉर्मूला नोट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन या एंड ऑन पोजिशन का ये फॉर्मूला नोट करो, 2πr/r² - a² का होल स्क्वायर। हम बता रहा हूं, नॉर्मली ये कैलकुलेशन बहुत बड़ी हैं पर कई बार काम आ जाती हैं। शॉर्ट डायपोल के न्यूमेरिकल्स आते हैं, शॉर्ट डायपोल होता है जब आर बहुत बड़ा है और ए बहुत छोटा है, डायपोल के डिस्टेंसेस बहुत छोटे हैं पर आर बहुत बड़ा है, हमने बहुत दूर निकालना है ई की वैल्यू को, तो आर वेरी मच ग्रेटर देन ए,
डिनोमिनेटर में आर बहुत बड़ा ए से, तो ए कैन बी निगलेक्टेड, तो क्या बनेगा, आर की पावर 4, आर और आर कट गया, तो ये आंसर, ये भी नोट करें, शॉर्ट डायपोल का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल 99% न्यूमेरिकल इसी पे काम करते हैं, शॉर्ट डायपोल, इतने बड़ी कैलकुलेशन आप कर नहीं पाएंगे, शॉर्ट डायपोल का फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आएगा, तो याद करें 1/4πε02πr³। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि अगर जब आप इसे सॉल्व कर रहे थे, ये बताएं कि ये वैल्यू वैल्यू बड़ी थी और ये छोटी थी, चेक करो, तो आपने कहा था नेट वैल्यू क्या होगी, बड़ी में से छोटी को माइनस कर देंगे, नेट डायरेक्शन कहां थी, ई की टुवर्ड्स राइट, राइट की तरफ थी, तो एक बात बताएं कि नेट वैल्यू एक्सेल की कहां थी, टुवर्ड्स राइट, पी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस, पी वेक्टर माइनस से प्लस, नेट वैल्यू राइट, पी वेक्टर राइट, पी वेक्टर और ई एक्सेल में एंगल क्या बनेगा, वेक्टर में जीरो, दे आर इन सेम डायरेक्शन, तो पेपर में आएगा, बताओ पी वेक्टर और ई एक्सेल वेक्टर में एंगल क्या रहता है, हमेशा इक्वल टू जीरो, तो नेट ई वेक्टर और डायपोल मोमेंट आर ऑलवेज इन सेम डायरेक्शन, क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको, तो क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, साथ साथ बता रहा हूं, एंगल आएगा जीरो, वैल्यू आएगी शॉर्ट डायपोल की, ये आपने नोट कर लेनी है, तो लिख लेना फॉर्मूला रजिस्टर में कि ई वेक्टर, ई एक्सेल वेक्टर और पी वेक्टर में एंगल क्या रहता है, जीरो, और ये तो मैंने बता ही दिया, ई एक्सेल में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब का फॉर्मूला लगता है।